की गेंद स्ट्राइक लेंगे दोबारा हेमंत, चैलेंज से घाटा खोला हेमंत तीनों ने, और दूसरा गेंदर मारने की कोशिश की, इस बार बीट हुए पहली ओवर की, किस तरह खेलते हैं हेमंत। और दूसरा बहुत ही बड़ा शटकार हेमंत तीनों ने तय कर दिया है, एक और बॉलर से खुद को मैं तो सिर्फ शटकार ही मारूंगा और वही करके दिखा रहे हैं। अब तक दो शटकार मार चुके हैं हेमंत, पहले ओवर की स्ट्राइक लेंगे दोबारा हेमंत, और बहुत जोरदार मारने की कोशिश कर रहे हैं, बैक टू बैक पहला शटकार, दूसरा नॉट बॉल, तीसरा शटकार, चौथा नॉट बॉल, स्ट्राइक लेंगे दोबारा हेमंत। और यह हेमंत की बात से निकलता हुआ तीसरा शटकार, इस पहले ओवर चल रहे हैं, पांच बॉल हो चुके हैं और तीन शटकार आ चुके हैं। अब तक का हाल है स्कोर का, पहला बॉल सिक्स, टू डॉट हॉरन सिक्स, टू डॉट अब शटकार, अब देखते हैं अगर डॉट बॉल आता है तो तीन डॉट और तीन शटकार हो सकते हैं। आखिरी गेम, पहले ओवर की आखिरी गेम, पावर प्ले की स्ट्राइक पर हेमंत, और बहुत ही अच्छा फ्लाइटेड शॉट था, इस बार शटकार नहीं मिलेंगे चार रन, स्कोर बढ़ता हुआ पहली ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन, दूसरी ओवर ले गए आरिफ, शॉट की गिनती काफी अच्छी, बहुत ही राइट कर दिया था, एक रन जरूर मिलेगा 22 के रूप में। अगली गेम और खेलने लगे यहाँ पर कैच हो सकती है, मगर कैच ने तो रनआउट का भी मौका खो दिया है, कैच भी ड्रॉप और रनआउट का मौका भी खो दिया है यहाँ पर। अब आए स्ट्राइक पर हेमंत, लेफ्ट हैंड बैट्समैन हेमंत, और हवा में गेंद है और अंपायर का सर एक ही रन मिलेगा, डिक्लेयर होने में गेंद जाती है, बना चुकी है गोल्डन टीम अब तक सेकंड ओवर की, दोबारा खेल रहे हैं लेफ्ट साइड में, एक रन मिलेगा, डिक्लेयर एरिया में जाती है पांचवी गेंद, स्ट्राइक लेंगे हेमंत, शॉट पिच गेंदती खेल लिया है लेग साइड में, मगर एक ही रन मिलेगा इस शॉट पर, एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 27, पांच गेंदों में सिर्फ पांच रन, आखिरी गेंद दूसरी ओवर की और खेल लिया लेग साइड में, इस शॉट पर भी एक ही रन मिलेगा, यानी कि छह गेंदों में सिर्फ छह रन दिए हैं आरिफ इन्होंने, और पहली ही गेंद का सामना किया विशाल इन्होंने, और बहुत ही अच्छी कोशिश वहां पर आरिफ की, बहुत ही अच्छी कोशिश ट्राई की, अगर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होता तो यकीन में शटकार हो सकता था, मगर एक ही रन मिलेगा। अगली गेंद तीसरी ओवर की दूसरी गेंद, और काफी अच्छा बॉल, इस बार थोड़ा सा बीट हो गया मगर विकेट कीपर ने साथ नहीं दिया, एक रन जरूर मिलेगा, स्कोर बढ़ता हुआ 30, स्ट्राइक लेंगे विशाल, राइट हैंड बैट्समैन, फुल टॉस गेंद थी वहां पर, डिक्लेयर एरिया में कैच भी हो सकती है, मगर एक रन असर है, दूसरे रन की कोशिश और दो रन कंप्लीट कर लिए, दो रन से स्कोर बढ़ता हुआ 32। अगली गेंद दोबारा विशाल, और खेल लिया है विशाल इन्होंने, इस बार नहीं चुके विशाल, छह रन के लिए स्कोर करता हुआ 38, विशाल की बैट से निकलता हुआ पहला शटकार, अभी भी दो गेंदे बची है तीसरी ओवर की और स्कोर हो चुका है 38-38। अगली गेंद तीसरी ओवर की खेलने विशाल, अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल, दोबारा पांचवी गेंद और एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, यहां पर कॉट आउट हो सकते हैं और आउट, एक शटकार लगाकर आउट हो चुके हैं विशाल, उतना ही पावर में स्पीड में हवा चल रही है, और ये निशान की बैट से निकलता बहुत ही ऊंचा हाई जाता है बॉल, छह रन के लिए शटकार, पहली गेंद का सामना किया और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल, स्कोर बढ़ता हुआ 45, पांच गेंदों में 11 रन आए थे, अब
छठे गेंद पर षटका लगा तो इस ओवर में हो गए 17 रन। जरूर होगी वापस चौथी ओवर लेके आरिफ, फुल बैट गेंद की पूरा फायदा उठाया हेमंत जिन्हों ने, मगर अंपायर का इशारा सिर्फ एक ही रन डिक्लेयर करने में गेंद जाती ही दूसरे ओवर में, और टीम के लिए चौथी और खुद की दूसरी ओवर लेके आरिफ। और शॉट पिच गेंद की काफी अच्छा गुड लेंथ से उड़ा दिया था बॉल को, लगाया था राइट हैंडेड बैट्समैन होने के बावजूद अगली गेंद खेलने के लिए तैयार निशान, और खेलने लगभग इस बार अपर फील्डर मौजूद हवा के अपोजिट, मगर बाउंड्री लाइन पार नहीं कर पाए, इस तरह दूसरा विकेट गिरता हुआ निशान इनका। और काफी अच्छा यॉर्क तक बोलता मगर अच्छे से खेल लिया हेमंत इन्होंने ग्राउंड शॉट, एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 47। अब आए हैं निशान जाने के बाद बोना, बोना एक बहुत ही हाथ हीटर बल्लेबाज गोल्डन टीम के, खेलने के लिए तैयार बोना, नए बल्लेबाज बोना, काफी अच्छा बॉल, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आरिफ। आखिरी गेंद चौथी ओवर की आखिरी गेंद, और इस बार जोरदार मारने की कोशिश थी मगर बीट हो गए विकेट कीपर, जज नहीं कर पाए बॉल, एक रन जरूर मिलेगा, एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 48-48। चौथी पांचवी ओवर की पहली गेंद, और ये बहुत ही बड़ा शॉट बोना की बैट से निकलता हुआ, पहला सिक्सर और स्कोर बोर्ड करता हुआ 54। अगली गेंद पहली गेंद पर षटकार खेल से, और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, स्ट्राइक लेंगे बोना, एक षटकार लगाकर खेल रहे बोना, और ये दूसरा बहुत ही जोरदार शॉट खेला था मगर लेग साइड में, एक ही रन मिलेगा। और हवा में गेंद, अगली गेंद खेलने के लिए तैयार होना, और बहुत ही अच्छा स्टेप बैक शॉट खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन से नहीं रुक पाए, एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 57। हेमंत यांची बॅटी घेऊन आपण षटकार बघितले तसं निशान, पण बोना पंच अनिल कपूर सर चेंडू, उलटा चेंडू पूर्णपणे फायदा घेऊ शकले ना बोना, चांगला खेळ नो बॉल, सोने पे सुहागा नो बॉल आणि फ्री, पुन्हा एकदा नो बॉल आणि गोलंदाजीला आला तर 200 रुपये पारतोषिक प्रत्येक विकेटाला, प्रहार परंतु चांगली गोलंदाजी पहिले, आता शेवटचं षटक एक राकेश दर्या माताकडे, जोरदार फटका बॅटकड घेऊन घोषित क्षेत्रामध्ये जातो चेंडू, धावसंख्या 63, शेवटचे 5 चेंडूचा खेळ, चेंडू पडतो जबरदस्त फटका, खुशखबर खुशखबर येते जर पाचवडी फायनलला गेली तर विक्रम कोहली यांच्याकडून 5 चावटी कोंबडे, पाचवडीला पारितोषिक तरी किती लागले, एकाकडून लागले 20 बघूया, जबरदस्त हेलिकॉप्टर उडवलेला आहे लॉंगच्या दिशेने, एक धाव क्षेत्ररक्षण चाईल यांच्याकडून, चांगली गोलंदाजी करते तो म्हणजे राकेश, अजूनपर्यंत 4 चेंडू टाकलेत आणि 3 धावा दिलेल्या आहेत, खरोखर शेवटचं षटक कसं असावं, तर शेवटचं षटक असं असावं, शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत बघूया राकेश किंवा रेकर, एकनं संधी दिलेली आहे, संधी तर सोनं होतं का करतो नाही, खरोखर प्रतिम गोलंदाजी करतो तो म्हणजे राकेश, तुला पायामध्ये मला वाटतं लतक भरली असावी, शेवटचा जिंकतो आहे खरोखर राकेश, अप्रतिम गोलंदाजी करतो असते आपल्या संघासाठी, संघासाठी शेवटचा चेंडू बघूया,
जोरदार पटका मिड आउटच्या दिशेने जॅक्सन आहेत एकदा पूर्ण तिकडे एक धाव होती तिकडे दोन धाव बोनस मध्ये भेटलेले आहेत 69 धाव झालेले आहेत आणि 70 धावांचा महाडोंगर रचलेला आहे गोल्डन बोट बघा बघूया म्हणजे आपल्या गोलंदाजीला षटकार दिले होते ते वसूल करतो का दुसरा चेंडू राहुल आणि सायलेंटची जोडी मैदानात बघूया चेंडू पडतो चेंडू चष्मा उडला टोपी उडली गोली मारायची होती कुणाचे आणि लागली कुणाचे पाणी घेऊन जायचं पाणी घेऊन जायचं स्प्रे 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 राहुल वर्सेस विशाल बघूया खरंच जबरदस्त गोलंदाजी करतोय विशाल एकदम पावसाच्या तुवार पावसाच्या ती पहिली सत्ता जरी पावसाच्या एक कडे बाबती दत्त मंदिर संघावर नाही लागले प्राईज लॉयड और रुपये प्राईज लागलेला आहे जेव्हा राणा होता तेव्हा आपल्याला वजनाची टुर्नामेंट पाहायला भेटलेली आणि थनगर थनगर होता व्हाईट अँड व्हाईट त्याचे टुर्नामेंट 23 पाचवाडी संघाची आणि मोठा हादरा सायलेंटच्या स्वरूपात आयोजित टुर्नामेंट पुढचा चेंडू काय परंतु मला वाटतं याला पटक खायला लागेल कारण त्या पटका जरा पोचला नाही अरे अरे तो पूर्ण जिम्मेदारी आहे दोन षटकामध्ये 5 धावा झालेले आहे ना चेंडू सामना करतील हरीफच्या दिशेनं मारण्याचा प्रयत्न निर्धाव चेंडू चांगला सटवलेला आहे पॉईंटच्या दिशेने एक धाव घेतलेली आहे पासष्ट झाली 6 पुढे एक पॉईंटच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न एक धाव समाधान म्हणावं लागलेलं आहे 66 ओव्हरचा आहे 6-7 सामना करतील पुढचा चेंडू सामना करतील चेंडू चांगलाच मारलेला आहे मुंडांच्या दिशेने पाहूया आणि झेल निसटलेला आहे एक धाव पूर्ण होत आहे फक्त एकच धाव समाधान म्हणावं लागलेलं आहे धाव संख्या झालेली आहे ढेर अंका 10-3 गडी बाद 3 गडी बाद 10 पुढचा चेंडू सुरेख मारण्याचा प्रयत्न निर्धाव चेंडू झेलबाजी अपील करतायत पंचाकडे पण पंच तटस्थ धाव संख्या चेंडू
चांगला कवर पॉइंटच्या दिशेने बॅटरचा म्हणता फर्स्ट सीटला गेला इकडे झोन मध्ये धावसंख्या झालेली 11 तिसरा चेंडू पडतोय पुन्हा गल्लीच्या दिशेने पकडला तिकडे झोन मध्ये जात आहे चेंडू पुढचा चेंडू सोलत तटवलेला मिड लेगच्या दिशेने पावला चेंडू जातोय डिक्लेअर झोन मध्ये एक धावा करीता पुढचा चेंडू पॉवर पॉइंटच्या दिशेपर्यंतच्या खडमेंडला गेलेला आहे आपला डिक्लेअर झोन मध्ये जे जावाय चढलेले आहेत गल्लीतले जावाय गोल्डनचे जावाय पाचवे षटक घेऊन येत आहेत राज पहिला चेंडू राजांचा सुरेश टेकेला स्टेट केलेला पाहुया किती धाव मिळत आहेत एक धाव पूर्ण झालेला दुसरी धावाचा प्रयत्न होत आहे राज चौथा चेंडू सुंदर असा फटका बघूया किती धाव भेटतील या फटक्यात पुन्हा एकदा सुंदर फटका मारलेला एक धाव तिथे निशाण आहे दोन चेंडू शिल्लक आहे धाव संख्या 23 पाचव्या षटकातील पाचव्या चेंडू राजांचा राकेश खेळण्यासाठी सज्ज सुंदर फटका बघूया झेल येते का नाही तिथे डॅनल झेल पाच बाद झालेला आहे तो राकेश तर झेल डॅनल यांची षटकातील अरे खेळण्यासाठी सज्ज सुंदर फटका मारण्याचा प्रयत्न टिकल्या क्षेत्रामध्ये एक धाव या एकाने धाव संख्या 24 पहिला चेंडू संख्या सज्ज थोडासा आपल्याला चेंडू मध्ये किती धाव गेलेल्या फटक्यावर एक धाव सुंदर संरक्षण खेळण्यासाठी सज्ज सुंदर फटका बघा किती धाव भेटेल या फटक्यावर झेल होते का नाही पूर्ण केलेले दहा संख्या 33 प्रत्येक विकेटावर एक डाव घेतलेलो आहे षटकातील प्रत्यक्षांचा अरे खेळण्यासाठी सज्ज चंड गोल झालेल्या धर्मेंद्र धामशर्दा गावचे होते धर्मेन कोळी आझाद संघाचे दोन शर्द ठेवायचे होते धर्मेन कोळी चंडू समाप्ती रुपेश